बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 इसकी हम रीडिंग करेंगे। अर्ली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान में जो पहली तहजीबें थी वो कौन कौन सी थी उनके बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। द एरिया विच इज़ नाउ पाकिस्तान वॉज इनहेबिटेड बाई मैनी अर्ली सिविलाइजेशन, यानी कि ये इलाका जो पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर जाना जाता है, इसमें पहले बहुत सी तहजीबें आबाद थी। सोन वैली, द सोन वैली सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू द स्टोन एज। सोन वैली की जो तहजीब है ये हमें इससे पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन का जो दौर था ये स्टोन एज का दौर था। लोग पत्थरों के गारों के दौर में रहते थे, गार वाला दौर है, लोग गारों में रहते थे, पत्ते वगैरह यानी कि जिस तरह जो पुरानी तहजीबें हैं पत्थरों वगैरह का इस्तेमाल करते थे। इट इज़ सिचुएटेड इन द सोन रिवर वैली इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुशाब डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब। और ये जो सोन वैली है ये सूबा पंजाब में ज़िला खुशाब के शुमाल मगरिब में पाई जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ स्टोन टूल्स सच एज एक्सिस, और माहिर आसार कदीमा को यहाँ से इस बात के सबूत मिले हैं कि ये लोग पत्थरों के औजार जैसा कि कुल्हाड़े वगैरह इनको मिले हैं माहिर आसार कदीमा को, जिससे पता चलता है कि ये लोग पत्थरों वगैरह का, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। पेज नंबर 36, मेहरगढ़। द रिमेन्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान वर एक्सकोवेटेड बाई अ टीम ऑफ फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट इन 1976 एट मेहरगढ़। 1976 में जो हमारे फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट हैं माहिर आसार कदीमा थे, उन्होंने पाकिस्तान में आकर खुदाई की तो उनको पता चला कि ये भी मेहरगढ़ की जो तहजीब है ये पाकिस्तान की चंद पहली तहजीबों में से एक तहजीब है। इट इज़ सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द बोलान पास इन बलोचिस्तान एंड इट डेट्स बैक टू अराउंड 8000 BC। ये जो है मेहरगढ़ की जो सिविलाइजेशन है ये हमारे जो सूबा बलोचिस्तान में दर्रा बोलान के पास वाक़ा है, और ये हमें बताती है कि ये तहजीब तकरीबन आज से 8000 साल बिफोर क्रिस्ट यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का जो ज़माना है ये उस ज़माने के लोग जो थे वो यहाँ पे आबाद थे। देयर इज़ एविडेंस दैट वीट एंड बर्ले वर कल्टिवेटेड देयर, और यहाँ से इस बात के भी सबूत मिले हैं कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो जौ और गंदम काश करते थे। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सी शेल्स, पेंटेड पोट्री, आइवरी वर्क एंड क्ले फिगरेंस हैव आल्सो बीन फाउंड। और जो माहिर आसार कदीमा है वो बताते हैं कि ये लोग जो हैं सी शेल्स यानी कि जो समंदरी सी शेल्स होती हैं उनके जेवरात बनाते थे, अपनी जो है मिट्टी के बर्तन हैं उनको पेंट करते थे, हाथी दांत से जेवरात बनाते थे, एंड क्ले फिगरेंस मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, जिनके वहाँ से सबूत मिले हैं। इट्स क्लोजनेस टू द बोलान पास शोज दैट मेहरगढ़ हैड ट्रेड लिंक्स विद अफगानिस्तान, ईरान एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। मेहरगढ़ की अगर तहजीब के बारे में पढ़े तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं जो के बोलान पास दर्रा बोलान के पास ये लोग आबाद थे, इनके दुनिया में अफगानिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात थे। अफगानिस्तान के अलावा ईरान और एशिया के और बहुत से हिस्से हैं जिनसे इनके तजारती ताल्लुकात थे। जी नेक्स्ट आ जाती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस नियर लाड़काना इन द प्रोविंस ऑफ सिंध इज पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये जो है मोहनजोदड़ो ये दरिया सिंध के सूबा सिंध में लाड़काना के नज़दीक ही वाक़ है, और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द साइट इन 1922, और जो बरतानवी माहिर आसार कदीमा है इन्होंने पाकिस्तान में 1922 में इसको दरियाफ्त किया। आफ्टर पीपल लिविंग नियर लाड़काना फाउंड सम ओल्ड कॉइन्स एंड ब्रिक्स, और जो लोग लाड़काना के नज़दीक रहते थे बाद में उनको बहुत से ऐसे सिक्के मिले पुराने और ईंटें मिली। आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्टेड टू डिग, जब माहिर आसार कदीमा ने इसे खोदना शुरू किया, एंड इवेंचुअली एक्सकवेटेड अ होल सिटी, और आखिरकार एक पूरा शहर उन्होंने खुदाई, जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो अपनी खुदाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने एक पूरा शहर ज़मीन के नीचे से निकाला या दरियाफ्त किया। स्टडीज शो दैट इट डेट्स बैक टू 3500 BC, और तारीख हमें ये बताती है कि ये जो ज़माना है ये 3500 साल बिफोर क्रिस्ट हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले 3500 साल पहले का ये ज़माना है।
The people who came to live near the river Indus settled there and built a city. कि वो लोग जो दूर दराज से आए थे उन्होंने दरिया के नज़दीक रहना शुरू किया, दरिया सिंध के नज़दीक रहना शुरू किया एंड बिल्ट अ सिटी। और उन लोगों ने जो लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए थे उन्होंने बाद में ये शहर आबाद किया या ये शहर तामीर किया बनाया। द सेटलर्स वर फार्मर्स हु ग्रू वीट मेज एंड कॉटन। ये लोग जो आकर यहाँ पर आबाद हुए ये ज़्यादातर किसान थे और इन लोगों ने यहाँ पर गंदम मकई और कपास की फसलें उगाई। दे यूज़ टू ट्रेड विद पीपल ऑफ मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे ईरान एंड इराक। और इन लोगों ने जो फसलें काश करते थे इन लोगों ने सबसे पहले मेसोपोटामिया जो कि आज ईरान और इराक के नाम से जाना जाता है इनके साथ अपने तजारती ताल्लुकात कायम किए। दे वर स्किलफुल आर्टिशंस। ये लोग जो थे बहुत ही माहिर फनकार थे। दे मेड पोट्री कुकिंग पॉट्स ज्वेलरी टूल्स एंड कॉटन फैब्रिक। ये लोग जो थे ये बहुत हर काम के माहिर थे। इन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, कुकिंग पॉट्स खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन बनाए, ज्वेलरी जेवरात बनाए, टूल्स औजार बनाए और कॉटन फैब्रिक और जो कपास से ताना बाना बुना कपास से कपड़े वगैरह भी इन्होंने बनाने शुरू किए। द सिटी हैड वेल्स एंड अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। इस सिटी में खुदाई के दौरान बहुत से कुएँ भी मिले हैं और एक ड्रेनेज सिस्टम बाकायदा जो नालियाँ वगैरह थी गंदे पानी के अखराज के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी यहाँ से दरियाफ्त हुआ है। स्टोन सील्स विद पिक्चर्स ऑन देम हैव बीन फाउंड बट नो वन कैन रीड और अंडरस्टैंड देम एज येट। वहाँ से बहुत सी ऐसी मोहरें भी मिली हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ तस्वीरें भेजा हैं या उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो क्या लिखा हुआ है आज तक कोई भी इसको रीड नहीं कर सका, ना पढ़ सका और ना ही समझ सका है। जी पेज नंबर 37। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड इन 1500 BC। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका खात्मा हुआ या इख्तिताम पज़ीर हुई है 1500 BC। नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू इट। कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ था, ये तहजीब क्यों ख़त्म हो गई। ऑल्सो सम हिस्टोरियंस थिंक दैट इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ वॉर विद द आर्यंस हु इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट फ्राम द नॉर्थ। किस कोई भी नहीं जानता कि इस तहजीब का खात्मा क्यों हुआ। कुछ लोगों का ये कुछ तारीख साज तारीख दानों का ये ख्याल है कि ये जो तहजीब है ये तबाह हो गई या बर्बाद हो गई उस जंग के दौरान जब आर्यन ने शुमाल की तरफ से बड़े सगीर पर हमला किया तो उस जंग में ये लोग मारे गए या इस तहजीब का खात्मा हो गया। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर पीसफुल फार्मर्स एंड डिड नॉट गिव ड्यू टेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स एंड द ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स। जो इंडस वैली के जो लोग थे किसान जो आकर यहाँ पर आबाद हुए थे ये बहुत पीसफुल थे, अमन पसंद लोग किसान थे और ये लोग ज़्यादातर इन्होंने तवज्जो जो थी वो औजारों के बनाने पर या हथियारों के बनाने पर नहीं दी, ना इन्होंने अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया लड़ने के लिए फ़ाइट के लिए। एज अ रिज़ल्ट नतीजे के तौर पर दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिजिस्ट द अटैक्स ऑफ आर्यन। इसीलिए ये आर्यन के हमलों को मज़ाहमत नहीं कर सके, उनको रोक नहीं सके, उनके साथ लड़ नहीं सके। अदर हिस्टोरियंस थिंक दूसरे तारीखदान ये सोचते हैं या ये बताते हैं डैट मोहनजोदड़ो वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लडिंग ऑफ द रिवर इंडस और दैट डिसीज माइट हैव किल्ड द पीपल। कुछ तारीखदानों का ये ख्याल है कि मोहनजोदड़ो की जो तहजीब है वो या तो दरिया सिंध में सैलाब आने की वजह से ख़त्म हो गई, लोग मारे गए या कोई ऐसी बीमारी चल निकली, ऐसी बीमारी निकली जिन्होंने के जिसने यहाँ के रहने वालों लोगों को ख़त्म कर दिया, मार दिया। सम थिंक दैट द रिवर चेंज कोर्स एंड मोस्ट पीपल मूव्ड अवे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हो सकता है दरिया सिंध ने अपना रास्ता चेंज कर लिया हो, रास्ता बदल लिया हो और जिसकी वजह से ये लोग दरिया सिंध के करीब आकर आबाद हुए थे ये लोग ये इलाका छोड़कर चले गए। हड़प्पा। द साइट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1920 बाय द आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। जी ये जो हड़प्पा की जो तहजीब है ये 1920 में जो एक आर्कियोलॉजिस्ट माहिर आसार क़दीमा का डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी इन्होंने इस हड़प्पा को जो था डिस्कवर किया। हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। हड़प्पा हमारे ज़िला साहिवाल ऑफ पंजाब पंजाब के ज़िला साहिवाल में वाक़ है नियर द रिवर रावी दरिया रावी के नज़दीक।
The हड़प्पा सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू 2500 BC और ये जो तहजीब है ये तकरीबन 2500 साल बिफोर क्रिस्ट का जो ज़माना है इस ज़माने की याद दिलाती है एंड वाज पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये जो हिस्सा है इनकी तहजीब का ये जो इंडस सिविलाइजेशन जो पुरानी सिंधी तहजीबें हैं उनसे उन्हीं का एक हिस्सा है। कॉपर एंड ब्रॉन्जी पोर्ट्स ज्वेलरी कर्व सील्स फिगरेंस एंड स्टैचू हैव बीन फाउंड देयर और वहाँ से जो माहिरा सारी कलीमा को जो चीज़ें मिली उनमें पीतल कांसी के बर्तन जेवरात मोहरें पुरानी मोहरें मूर्तियाँ और कुछ स्टैचू बने हुए मूर्तियाँ मिली हैं जो कि वहाँ के लोगों के बारे में मालूमात देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्टिस्टिक स्किल्स वर हाईली डेवलप्ड इस पीरियड यानी कि इस दौरान जो लोग यहाँ पे रहते थे उनकी चीज़ों से पता चलता है कि ये लोग बहुत ही फनकार लोग थे माहिर थे यानी कि आर्टिस्ट थे फनकार थे क्योंकि इनकी पेंटिंग्स इनकी जो ड्राइंग है इनके जो बर्तन बनाने का तरीका है ये इनकी जो स्किल्स थी वो बहुत हाई लेवल की थी माहिर लोग थे फनकार लोग थे।